मैं शिव खान गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। भारत के प्रधानमंत्री दुबई यात्रा पर गए, वापिस भी आए। छोटी सी यात्रा, लेकिन इस छोटी सी यात्रा के कितने बड़े मायने। मंदिर बनेगा दुबई में, जो कि बहुत इम्पॉसिबल सा काम लग रहा था, मिशन इम्पॉसिबल, वहां पर मंदिर बनना, वो अब पूरा हो रहा है। दूसरा, वहां से इन्वेस्टमेंट बहुत आएगी। तीसरा, वहां पर दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जो है वो जब्त हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई दुबई यात्रा में, लेकिन ये यात्रा जो छोटी सी यात्रा थी कितने बड़े मायने रखती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं तवलीन सिंह जी। कल अबू धाबी में भी आपने देखा होगा स्टेडियम में, हालांकि उस स्टेडियम में मैच ही देखे मैंने तो अभी तक टीवी पे, लेकिन हाँ। कल जो नजारा था वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी ज्यादा उसमें क्राउड बैठा था और देखा मैंने, और मोदी 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 सब जगह, और हैरान रह गई देखकर। और ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, राह से भटक के भी कुछ लोग गालियां भी देंगे शायद ट्विटर पे, कि मस्जिद में पहली बार गए वहां पर भी मोदी मोदी मोदी, इस्लाम खतरे में ना आ जाए। अच्छा, मोदी मस्जिद में ना जाए तो मरते हैं और जाए तो फिर गालियां सुनते हैं जी। तो, यानी कि अच्छा नहीं, दूसरी जो वो निवेशक आ रहे हैं या जो अनाउंसमेंट, चलो अनाउंसमेंट ही हो जाए जी, बहुत बड़ी बात है। हमको पैसों की जरूरत है, हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सड़कें, हमारे ये एयरपोर्ट, हमारे वो बंदर जी, बहुत बुरे हालत है जी। हाँ जिस तरीके से, एक चीज तो आपसे जानना चाहूंगा, आप दुबई गए होंगे कभी? मैं गई हूँ जी। तो दुबई में मंदिर के लिए जगह, एक थोड़ा सा हट के बात हो रही है हाँ। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मुझे लगती है कि दुबई में मंदिर के लिए जगह, वहाँ के लोग जिस तरह हैं, क्योंकि ये जो इस्लामी मुल्क है ना, ये ना वहाँ पे चर्च बनने देते हैं और ना मंदिर, यानी किसी और किसी दूसरे मजहब को वहाँ पे पांव रखने की इजाजत नहीं होती है। तो ये अगर कर दिया है उन्होंने तो बहुत ही बड़ी बात जी। और यहाँ पर बर्नोल की कमी होगी बहुत ज्यादा इस बात से। मीडिया चैनल के बड़े बड़े नाम जो ट्वीट कर रहे थे कि मोदी हाँ, अगर आज शाम को मजा आएगा, जरूर देखना जो बहस होगी शाम को आज। हाँ, आज तो बहस तो होगी, लेकिन एक चीज मैंने ट्वीट देखे उन लोगों के, वो यही कह रहे थे कि मोदी जो हैं वहां पर मस्जिद में चले गए हैं तो यहाँ पर गुजरात में भी जाना चाहिए उनको, जो मैंने देखा नाम नहीं लूंगी, मैंने वही ट्वीट पढ़ा जी। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये है, मैंने देखा कि उनके जो दोस्त हैं जफर सरेश वाला जी, वो साथ में गए हैं उधर। अच्छा, आप कभी उनको बुलाओ शो पे जी और उनसे बात करो ये जुहापुरा के बारे में। वो कह रहे हैं कि, वो कहते हैं बल्कि बार बार कि जितने भी मुसलमान इलाके हैं अहमदाबाद में वो सब बेहतर हो गए हैं, तभी तो वोट पड़ता है मोदी को बिल्कुल, इनका बिल्कुल। लेकिन जुहापुरा में कोई खास वजह से वहां पे वो गंदगी बहुत ज्यादा है और बहुत बढ़ा चढ़ा के जो हमारे वो पंडित हैं दिल्ली वाले वो इसको हमेशा इसी का जिक्र करते हैं, कभी ये नहीं कहते कि बाकी इलाके देखो मुसलमानों के जी। मैंने ट्विटर पे कई बार देखे हैं अहमदाबाद के जो बस स्टैंड वगैरह की फोटोज देखी हैं, देख के लगता है कि कुछ अलग ही जगह है, मैं गया नहीं हूँ अभी, लेकिन हाँ। मेरे दोस्त है एक, वो गए थे तो वो बता रहे थे कि बड़ा शांत इलाका है, बहुत बढ़िया है, लगता नहीं कभी यहाँ पे गोधरा हुआ भी था, इस तरह की चीजें भी हुई थी, जबकि हाँ, यूपी मैं के भी गई थी कोई हाँ, दो साल पहले, जबकि और बहुत फर्क आ गया है। जबकि यूपी के मुजफ्फरनगर से गुजरते हो तो फील होती है, नेगेटिव वाइब्स जो है वो आती है वहाँ पर बहुत जबरदस्त, नेगेटिव वाइब्स हर मुसलमान इलाके में आपको यूपी में देखेंगे जी। और वो वजह यही है कि वहाँ पर मुसलमानों का विकास हुआ ही नहीं है, उनके साथ नहीं देते। और ये वही तो मैं बात कर रही थी ना, ये एक ही थैली के ये चट्टे बट्टे हैं, ये मुलायम सिंह और नीतीश और लालू, और इनकी राजनीति पुरानी हो गई है जी। और मुलायम सिंह जीते हैं पिछली बार, यानी के अखिलेश जी, मुसलमानों के वोटों से, तो ये जानते हैं कि मुसलमानों में अगर मध्यम वर्ग शुरू हो जाता है, अगर शिक्षित हो जाते हैं मुसलमान, तो इस तरह से उनको डराया नहीं जा सकता है ना दीन मजहब के नाम पे जी। तो बिल्कुल जैसे इन्होंने पिछड़ी जातियों के साथ राजनीति की है, मुसलमानों के साथ बिल्कुल वही राजनीति, यानी कि जो कांग्रेस किया करती थी वोट बैंक वाली राजनीति जी, ये उसी से तो पैदा हुई है ये सारे। ये एक चीज ये साफ अब झलक रही है कि कांग्रेस ने जो पॉलिटिक्स खेली थी और जो छोटी छोटी पार्टियां उभर कर सामने आ गई हर राज्य में,
उसने कांग्रेस को खत्म करके अपनी अपनी जगह बना ली है वहाँ पर। बिल्कुल जी, चाहे यूपी की बात हो चाहे फिर मायावती ले गई दलितों को जी, ये ले गए पिछड़ी जातियों को, पर लेकिन अब ये पुराने हो गए हैं। ये बदल रहा है अगर स्वरूप की बात करें तो। दुबई का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान अगर हम कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन क्या सीख ले सकते हैं वहां से विकास के नाम पर? बिल्कुल। और ये स्वच्छ भारत वाला जो अभियान है, आप कभी जाके देखो दुबई की सड़कें, और वहां पे ज्यादातर लोग रहते हैं हमारे ही, बहुत ज्यादा वहां पे वो इंडियंस हैं और पाकिस्तानी, तो अपने मुल्कों में आके वो गंदा कर देते हैं और वहां पे जाके सफाई इनके जिम्मे है जी, यही सफाई रखते हैं वहां पे। और इतना साफ है दुबई कि जितना स्विट्जरलैंड साफ है उससे भी ज्यादा जी, तस्वीरों में देखने को मिला है। और अभी जब मोदी पहुंचे वहां पर तो ज्यादा ही कुछ देखने को मिला। दूसरी बात जो मोदी को दिख रही है, और उन्होंने अपने वो भाषण में जिक्र भी किया था इसका, कि पिछले 20 सालों में या 30 सालों में जो तरक्की आई है दुबई में, शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में आई होगी इतनी तेजी से जी। तो वही चीज मोदी यहाँ अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा इस देश के लिए, और क्या कह सकते हैं जी। और इस पूरी ओवरऑल इस विजिट पे आपका क्या कहना है, क्या कितनी कामयाब और किस तरीके से मानती है, क्योंकि ये जो आइडिया था मैं पिछली बार आपको, आपने दरबार में शायद पढ़ा होगा कि मैं इंदिरा गांधी को मिली थी ये शेखा फातिमा के महल में। पिछली बार जब कोई प्राइम मिनिस्टर गया था तो मैं वहां थी जी, और क्योंकि एक ही वहां पे महिला पत्रकार थी पीएम के वो पार्टी में, तो आर के धवन ने मुझे भी आने दिया आखिरी वक्त पे जी। तो उस वक्त से लेके आज तक क्यों नहीं कोई गया है, पूछने वाली बात जी। क्योंकि वहां पे हमारे लोग रहते हैं, वहां से पैसा आता है, जो ये रेमिटेंसेस जो भेजते हैं जी, वो हम यहाँ के अपने मुल्क में आता है पैसा वहाँ से, लेकिन उस इस इन सब चीजों के बावजूद वहाँ पे कोई गया नहीं जी। दूसरा वहाँ पे टेररिज्म का भी पैसा जी, दाऊद इब्राहिम वगैरह ये भी वहाँ पे होते हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं। एक बड़ा अहम जो चीज निकल कर आई वो ये भी है कि दाऊद की संपत्ति जो है वहाँ पे जब्त की जा सकती है अब, तो ये अगर ऐसा होता बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, और केजरीवाल का चंदा भी कम हो सकता है वहां से आना। नहीं, ये तो बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, इनके घूमेंगे सारे लोग अगले 2 सालों में। मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में जी कि इनका पूरा इनकी वो तैयारियां हैं पंजाब के लिए। बड़ा बड़ा ध्यान से सुनते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, फिर ट्वीट करते हैं कांग्रेस वाले सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, राहुल मंदबुद्धि क्या क्या करे आप, अरे घर संभाल लो पहले उसके बाद बाहर की बात कर लेना। दिल्ली को तो सुधार लो। दिल्ली नहीं, मैं तो साफ साफ कर घर तो संभाल लो अपना पहले। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे देखो पहले, बाद में कांग्रेस वालों को जगाना, उनको सोने दो 5-10 साल अब। बाद में देखेंगे। चलिए जी, बिहार की राजनीति और मोदी जो गए हैं दुबई और जो अलग ही एक स्वरूप बना के वहां पर आए हैं भारत का भी, और अच्छा खासा अब लग रहा है वहां से उम्मीद है इन्वेस्टमेंट की भी। हाँ। सबसे बड़ी कामयाबी दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त और मंदिर बनना, वाकई में एक अलग चीज होगी वहां पर। हाँ। जो कि मायने रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ तवलीन सिंह जी। वाकई में दुबई की यात्रा बहुत ही अलग और अचानक से आई है यात्रा, क्योंकि पहले इसका मीडिया में हल्ला नहीं हुआ, लेकिन हुई इतनी जबरदस्त। अबूधाबी स्टेडियम भरा रहा, मंदिर बनने की जगह, दाऊद की संपत्ति जब्त हो सकती है, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आए मोदी। सलाम आपको।